फाइनली डांस प्लस सीजन 7 के ऑडिशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इस ऑडिशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितने राउंड्स हो गए, इसके ऑफलाइन ऑडिशन कब हो गई, ये सारा कुछ आपको पूरे डिटेल में बताएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। बेसिकली देखा जाए तो डांस प्लस के ऑडिशन दो टाइप के होते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन और ऑफलाइन ऑडिशन, लेकिन इस सीजन में आपको कोई भी ऑफलाइन ऑडिशन देखने को नहीं मिलेगा। जो आप पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जाके ऑडिशन देते थे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार बस होने वाले हैं ऑनलाइन ऑडिशन। अब इस ऑनलाइन ऑडिशन में भी तीन लेवल होने वाले, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब ये लेवल्स क्या है ये मैं आपको पूरे डिटेल में आगे बताऊंगा, उससे पहले बात करते हैं कि ये ऑनलाइन ऑडिशन की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या है। तो डांस प्लस सीजन 7 के ऑनलाइन ऑडिशन ही होने वाले हैं। अब अगर इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 सितंबर और इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर के रात के 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे तक आप ऑडिशन दे सकते हो। अब अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस डांस शो में वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एज 10 साल से लेकर 55 साल के बीच में है और वो इंडिया के सिटीजन है। ऑल्सो इसमें आप तीन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि है सोलो, डुओ और ग्रुप। अब अगर बात की जाए तो इस ऑनलाइन ऑडिशन में कितने राउंड्स होंगे, कितने लेवल्स होंगे, तो इसमें बेसिकली तीन लेवल्स होने वाले हैं। जो पहला लेवल होने वाला है वो होने वाला है लेवल 1, जो कि होगा डिजिटल ऑडिशन। इसमें आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं और अपने यूट्यूब वीडियो का एक लिंक यहाँ पे देना है, और उसके बाद अगर डांस प्लस की टीम को आपकी डांसिंग वीडियो पसंद आती है तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे और आपको लेवल 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर बात की जाए कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, तो उसके लिए आपके पास डांस प्लस की टीम की तरफ से कोई कॉल और मेल आएगा जिसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी लेवल 2 के लिए, कि लेवल 2 कब और कहाँ होने वाला है। अब अगर आप लेवल 1 को क्वालिफाई कर जाते हो, मतलब डिजिटल ऑडिशन को क्वालिफाई कर जाते हो और लेवल 2 में आ जाते हो, तो लेवल 2 आपका होने वाला है ग्राउंड ऑडिशन, जो कि होने वाला है मुंबई में। जितने भी लोग डिजिटल राउंड में सेलेक्ट हो जाएंगे उन सबको मुंबई बुलाया जाएगा, देन वहां पे उनका लेवल 2 होगा। लेवल 2 में भी आपके दो राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा डांसिंग का राउंड, जहां पे आपकी डांसिंग देखी जाएगी, और जो दूसरा राउंड होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू। और अगर आपकी डांसिंग, आपका इंटरव्यू, आपकी पर्सनैलिटी इन लोगों को पसंद आती है, देन आप लेवल 3 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और लेवल 3 जो है वो है स्टूडियो राउंड। स्टूडियो राउंड बेसिकली ये भी मुंबई में होने वाला है। ये स्टूडियो राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी इस शो में एंट्री हो जाएगी। ऑल्सो ये स्टूडियो राउंड टीवी पे भी टेलीकास्ट होगा, जहां पे आपको इस शो के जजेस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली सिंपल देखो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ऑनलाइन ऑडिशन हो गए, जिसमें आपको इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है, देन अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे देन आपका ग्राउंड ऑडिशन होगा, जहां पे जाके आपको ऑडिशन देना होगा, देन अगर आप उसमें भी सेलेक्ट हो जाओगे फिर आपका एक फाइनल स्टूडियो ऑडिशन होगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो देन आप इस शो में एंट्री आपकी हो जाएगी। तो ये है डांस प्लस सीजन 7 के ऑडिशन की कंप्लीट डिटेल्स। अब आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियोज क्रिएट कर दूंगा। और अगर आप ये चाहते हो कि एक प्रॉपर डांस वीडियो आपको कैसा बनाना है, कैसे डांस वीडियो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेज इंक्रीज हो जाए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है।